हेलो वेलकम टू मेरा चैनल। प्लीज फ्रेंड, आप लोग कितने सेशन में कितने सेशन में आप लोग प्रकाश को जाना है, प्रकाश के रूप को जाना है। फिर इसके बाद आपने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को जाना है और फिर कुछ नियम को जाना है। और इसके बाद अब आपको करना है, पहले हम आपको समझा देते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का दृष्टि ज्ञान को जागृत करने वाली प्रकाश एक प्रकार की विद्या है जो हमारा दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश के गुण जो मुख्य गुण है जो तीन गुण है, पहला तो आपको प्रकाश का दृष्टि क्या है। प्रकाश का भी 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूसरा, प्रकाश जो है आपका सिलेंडर है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, और प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है अर्थात निर्वात में कर सकते हैं, वायु में कर सकते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में कर सकता है, अपारदर्शी माध्यम में नहीं करता। अपारदर्शी माध्यम प्रकाश को रोक देता है। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन के विषय में आपको जाना कि प्रकाश जब चल करके आता है, जब किसी चीज़ में पारिश्रमण सतह से या दर्पण से टकराता है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लग जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये आपको आवर्तन है, ये आपको परावर्तन है। ओके, और यहाँ पर ये आपको एक आई है, इसके नाम में बोलते हैं। यहाँ पर जो कोण होता है आई होता है, यानी कि आवर्तन कोण। और ये क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको बोलते हैं स्मॉल आर, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, ये तो हो गया आपको परावर्तन, इसे कहते हैं परावर्तन। मैंने क्या हो गया, इसकी किरण आती है और लगाने के बाद सुना जाए उसी माध्यम वापस रिटर्न हो जाते हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, नंबर एक और नंबर दो। पहला नियम क्या है आपको कि आपकी किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन कर्म या आपको आपतन कर्म है, आपतन कर्म में एक आपतन बिंदु पर एक स्थान पर होते हैं। दूसरा क्या है कि आपको कोण आई यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण स्मॉल आर दोनों ही बराबर होते हैं, आपको दोनों बताएंगे। इसके बाद आपको बताया गया था पृथ्वी, पृथ्वी में क्या होता है। तो पृथ्वी है आपको जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चल करके किसी एक स्थान पर वस्तु को काटती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रयोग होता है। सभी दो प्रकार का होता है, नंबर एक है आपको वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर दो है आपको आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये आपको आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आ गया था कि दर्पण। इसके बाद हमारा क्या आ गया, दर्पण। दर्पण क्या है ये हमने जो जानते हैं। दर्पण क्या होता है कि जब किसी किरण पारदर्शी होता है सर, या कोई पारदर्शी किरण पारदर्शी होता हो, उसे एक भाग को कवि कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर आपको एक कितना पारदर्शी, कितना पारदर्शी होता है, और उसका दूसरा भाग जो है ऐसे हम ये पॉलिश करते हैं। ये पॉलिश होता है आपको किस तरह करें, ये पॉलिश होती है आपको सिल्वर नाइट्रेट, ए जी एम ओ टी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट करते हैं। और जिसको हम कहते हैं चाली बता देते हैं, चाली चाली करना देते हैं। और दूसरी होता है रेड ऑक्साइड, यानी कि रेड ऑक्साइड का इसके ऊपर जो है रिव्यू, ये आपको रेड ऑक्साइड का ये जब लेख कर दिया जाता है, तो ये है आपको जो बनता है विज्ञान दर्पण विभाग व्यवहार करता है, दर्पण विभाग व्यवहार करता है। और हम अब आपको ध्यान दें कि दर्पण जो है दो प्रकार होते हैं,
जन्म करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दर्पण आपके लिए दो प्रकार का होता है। दर्पण पहली बात जो आपको दर्पण दर्पण की जरूरी होती है एम आई डबल आर ओ आर मिरर मिल सकता है। दर्पण तो आप ज्ञान की क्या चीज़ है। दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर वन है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको क्या बोलते हैं प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। और नंबर दो है गोली दर्पण, जब किसी समतल पारदर्शी माध्यम से, जब किसी समतल पारदर्शी माध्यम से, समतल पारदर्शी माध्यम क्या है, जैसे आपको एक समतल है और ये पारदर्शी माध्यम जो आकार है जैसे कांच, ठीक है, कांच है, इस पर जो क्या है इसके लिए धान को भूमि पानी कर देते हैं तो ये हमारा जो समतल दर्पण हो जाता है। क्या कहता है समतल दर्पण। इस पर किस चीज़ का करते हैं, इस पर कड़ी करते हैं AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट का आयन, ठीक है। इसके ऊपर क्या करते हैं लेड ऑक्साइड चार्ज में पीने, तो यह जो हमको क्या मिल जाता है आपको दर्पण की तरह घर के व्यवहार कर लेते हैं। दर्पण कवर क्या है कि दर्पण कवर है कि किसी वस्तु का चित्र दिखाना, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये दर्पण मिल गया। दर्पण किसी दर्पण में लेके आप इसी को पता चल गया अनंत है, इसका जो फोकस दूरी भी अनंत है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न तरीके में पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा अनंत, अनंत इसी अनंत, ठीक है। अब भैया हम लोग गोली दर्पण बात करें, क्या करते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण गोली से क्या हो गया आपके स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल जो ऐसा दर्पण जो गोलाकार, ठीक है, ऐसा दर्पण जो गोलाकार है। गोली दर्पण क्या है, तो जब किसी पारदर्शी गोली को किसी पारदर्शी खोखले दिए तो किसी पारदर्शी खोखला हुआ खोखला आई की बात ऐसा को बाल प्रोजेक्ट करते हैं, इसके अंदर हवा भर जाती है, ठीक है। फुटबॉल है इसके अंदर हवा, लेकिन उसको बाल अभी पारदर्शी नहीं, ठीक है। पारदर्शी में क्या है कांच का बना हुआ है तो वो पारदर्शी होगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का बना हो तो खोखला उसमें से एक भाग अगर हमारे कांच में, तो काटने के पश्चात जो आपको बचता है, ठीक है, काटने के पश्चात जो बचता है तो ये आपको करते हैं बड़ा भाग और ये बड़ा भाग। इसमें से काटने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपको इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। इसके इस प्रकार के बने हुए भाग में से जो भी वक्रकार है, ठीक है, इसमें से क्या है आपको यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वक्रकार भाग, इसके एक सतह को अगर हम पॉलिश कर दें तो दूसरा सतह इसका जो है परावर्तक कर देंगे, परावर्तक कर देंगे। तो इस प्रकार जो बनता है दर्पण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तम दर्पण, क्या बोलते हैं उत्तम दर्पण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उत्तम दर्पण, कांटे लेंस। और ये वाला भाग है वाला, ये आपको जब कलर में ये वाला है इसके हम क्या है तीन लेसर शुरू करके पॉलिश कर देते हैं, किसी भी पॉलिश होती है ये दोनों ही जो है क्या होते हैं AgNO3 होते हैं, AgNO3 होता है, ठीक है, AgNO3 यानी कि ये हो गया आपको। तो ये क्या होता है इसका दूसरा सतह जो है क्या होता है परावर्तक कर देना, ये आपको क्या परावर्तक कर परावर्तक करोगे क्या है ऐसा कर जिस पर से आज गिरा आ करके टकराने वाले गुना जो है परावर्तित हो जाए, यानी कि वापस क्या है परावर्तित कर सकता है। यहाँ पर ये आपको क्या है ये परावर्तित कर रहे हैं, ठीक है। अब ये परावर्तित कर हो गया ये परावर्तित कर हो गया, इस प्रकार जो है क्या ये जो है अवतर अवतर में गहरा से, क्योंकि इसलिए क्या है इसका विस्तार जो गहरा है परावर्तक का गहरा है, इसलिए क्या है इसको बोलते हैं अवतर दर्पण, क्या बोलते हैं अवतर
होते हैं ऑफर करते हैं और उसमें क्या बोलते हैं इसका भी ऑफर कर जो लिखा हुआ है जीता भी देखो इसका दर्शन देते हैं। ठीक है, ये आपको हो गए गोली दर्शन से संबंधित। अब गोली दर्शन से संबंधित कुछ तथ्यों को भजन है सर स्कूल से आप उसको बार बार देखते रहिए। ठीक है, इसको एक बार दो बार देखिए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा फिर याद आपको देगा, लेकिन बार बार देखना होगा, दो बार चार बार देखिए याद हो जाएगा, दोनों याद हो कभी नहीं भूलिए। और ये इम्पोर्टेंट है अक्सर जो एग्जामिनेशन में इससे संबंधित कोई दो प्रश्न पूछ लिया जैसे संतन लगभग आपको कभी भी आनंद होता है कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी से संबंधित जो है कुछ परिभाषा है उनको आप हमें जानना है कि क्या होता है। ठीक है, तो आज आपने रिविजन क्या की है, गड़बड़ क्या की है और ये गुरु दर्शन क्या है। ठीक है, गुरु दर्शन जो है उनसे कल दर्शन हो गया, दूसरा अवतल दर्शन हो गया। अब हमको समझना है गुरु दर्शन से संबंधित कुछ शब्द कुछ परिभाषीय से शब्दावली को जान लेते हैं। गुरु दर्शन से संबंधित परिभाषित देखिए गोली दर्शन क्या है, आपको ये खोखला बोला है, इस खोखले गोले के अंदर कुछ नहीं है। तो गोला का जो मधु बिंदु है ये देखिए ये इस तरह के जो फल को तो लिखा हुआ है ये आपको वृत्ति